नमस्कार, यह वीडियो देखने के बाद आप दूध की चाय पीना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और इसके साथ साथ यह वीडियो हर भाई बहन हर व्यक्ति को शेयर जरूर करिए, जिससे यह जानकारी हमारे पूरे देश में पहुंच सके। दूध के साथ चाय हमें नहीं पीना चाहिए। इसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि चाय हानिकारक है, लेकिन हम अगर खाली चाय पीते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के कुछ भाग में ही होगा। लेकिन अगर हम उस चाय को दूध के साथ पीते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाय हानिकारक है और लगभग हर कोई को पता है, लेकिन वह जब चाय दूध के साथ हम दूध वाली चाय जो पीते हैं, तो इसका जो हानिकारक का जो असर है हमारी सात्विक धाति ओजस्व तक प्रभावित होता है, जिसे वीर्य कहते हैं, वहाँ तक का इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दूध बहुत ही सात्विक है और दूध का असर सात्विक धातु तक होता है, तो इसमें दिया गया विष का असर भी सात्विक धातु तक होता है। हमारे देश के जो स्वामी दयानंद सरस्वती, 25 बार के लगभग उनको जहर दिया गया, वे बच गए, लेकिन 26 से 27वां बार जब उनको जहर दिया गया तो उन्हें नहीं बचाया जा सका। कि उस समय के वैद्य बताते हैं कि ये जहर अगर किसी और चीज़ के साथ दिया गया होता तो शायद वह बच जाते, क्योंकि ये जहर दूध के साथ दिया गया है इसलिए उन्हें नहीं बचाया जा सका। क्योंकि दूध इतना सात्विक है कि उसका असर सात्विक धातु तक होता है, तो उसमें दिया गया विष भी सात्विक धातु तक पहुंच जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दूध की चाय अगर पीते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए। इसका असर हमारे शरीर के सात्विक धातु तक होता है, दूध में जो नुकसान है दूध की चाय पीने से। अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते तो लीजिए, लेकिन दूध के साथ चाय ना पीजिए। नमस्कार, जय हिंद।